ये देख लो आप आउटर और ये जूते क्या फैला रखा होते ना भाई। जो कहता है सब्सक्राइब कर दो गाइस। बोल 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 लाइक करें कमेंट करें सब्सक्राइब। भाई इसके अंदर ये देखो ये है इसका क्या बोलते हैं इसको कांच जो बहुत ही ज्यादा गंदा हो रखा है। तो गुड इवनिंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। होपफुली आप सब मौज काट रहे होंगे और मैं भी एकदम टकाटक हूं। भाई आज का सीन कुछ ऐसा है कि मैं निकल चुका हूं एक और ट्रिप पर और मेरी ट्रिप होने वाली है वृंदावन धाम के लिए। वृंदावन का नाम तो आपने सुना होगा ना शायद। कृष्ण जी का जन्म हुआ था मथुरा में तो मथुरा के अंदर ही पड़ता है वृंदावन धाम। और पहले मैं बता दूं कि मैं निकल चुका हूं टाइम से पहले ही बाहर निकल चुका हूं। डायरेक्ट बाहर ही रिकॉर्ड किया है मैंने घर पे कुछ टाइम भी नहीं किया डायरेक्ट मैंने शूट चालू कर दिया है। और आपको बताता हूं मेरे साथ कौन जाने वाला है। एक लौंडा तो मेरे साथ ये है। ओ ये हवाबाज नंबर वन। अरे बाबा क्या हाल चाल। बढ़िया हाय बोल दे। हाय गाइस। और आपको बता दूं ये मेरे साथ एक और बार जा चुका है। ये गया था कौन सी जगह थी फतेहपुर है। फतेहपुर गया था बुलंद दरवाजा देखने के लिए। अगर वो ब्लॉग नहीं देखा हो तो वो भी देख लेना मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ये है मेरे साथ और दो लौंडे और हैं भाई वो निकल चुके हैं आगे। मैं रुक चुका हूँ आप लोगों से बातें करने के लिए। और मैं बता दूं कि ये तो है रेलवे ट्रैक यहाँ से नहीं जाना वैसे जाना तो वहाँ से हाईवे मेन वहाँ पे है लेकिन क्या है ट्रैफिक की वजह से वहाँ बहुत ज्यादा शोर हो रहा था तो इसीलिए मैं यहाँ पे आ गया आप लोगों से बातें करने के लिए। तो अभी निकलते हैं आगे और मिलवाता हूँ आपको उन दोनों से जो कि मेरे साथ जा रहे हैं। तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट अपनी ट्रैवलिंग वृंदावन धाम की। और गाइस मे भी ये बहुत लंबा ब्लॉग होने वाला है इसके दो या तीन पार्ट्स हो सकते हैं क्योंकि मैं दो दो दिन रहने वाला हूँ वृंदावन के अंदर। और मैं बता दूं कि अब रात भी होने वाली है तो आगे का ब्लॉग शायद आपको अंधेरे में देखना पड़े। ओके गाइस सो सी यू सून इन वृंदावन धाम। Chasing, leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. सो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं वृंदावन के अंदर और हमने रूम भी ले लिया है। चलो आपको रूम टूर करवाता हूं पहले और अंदर से नहीं बाहर से शुरू करता हूं। चलो आ जाओ ये देख लो आप आउटर और ये है कुछ रूम का एक्सटीरियर और ये रूम का गेट। ओह ये और ये जूते लौंडों के क्या फैला रखा होते हैं ना भाई। मैंने आपको बताया था दिन में कि मेरे साथ दो लौंडे और थे वो निकल गए थे आगे तो वो ये हैं एक तो ये है और एक ये है। जो कहता है कि सब्सक्राइब कर दो गाइस। बोल बोल ए बोले लाइक करें कमेंट करें सब्सक्राइब लाइक करें कमेंट करें फॉलो करें। चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। अब दिखाता हूँ आपको कमरा जो हमने लिया है और कमरे का रेट बता दूं आपको। कमरे का रेट था भाई 800 रुपए मथुरा वृंदावन के अंदर और ये एक आश्रम सा है। आश्रम के अंदर रूम है एसी भी है पर एसी की हालत देख लो एकदम खस्ता। और ये बेड है तीन बेड कम रोड से लग रहे हैं और ये अलमारी खुफिया ये देखो। और भाई मतलब होटल के रूम के अंदर आपने चीज नहीं देखी होगी एक चीज दिखाता हूँ किचन किचन भी है यहाँ पे और वॉश बेसिन पानी भी आ रहा है। अब दिखाता हूँ आपको बाथरूम चलो आ जाओ टंटना।
और भाई इसके अंदर ये है इसका क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं कांच जो बहुत ही ज्यादा गंदा हो रखा है। और ये है गीजर पानी गर्म ठंडा करने का, वो तो नहाने के टाइम पे पता चलेगा गर्म करता है ठंडा करता है। और गटर भाई बात सी तो आ रही है यहाँ से बहुत गंदी सी सब चीज़ है वैसे तो। कांच ये कांच वॉश बेसिन दिखाई दिया, पानी ये आ रहा है पानी, इसमें भी पानी आ रहा है। ये हो गया बाथरूम और एक ये गेट हो रहा है जो खुलता तो है ना, अगले एक कमरे का गेट होगा ये। तो ये था हमारा रूम गाइस, एक खास चीज और मिली है इस कमरे में, हैंगर भी है इसमें। ये देखो गाइस ये क्या चल रहा है। तो गाइस अब चलते हैं खाना खाने के लिए और मिलते हैं आपको होटल के अंदर। पहले देखते हैं यहाँ पे कहाँ कहाँ मिलेगा अच्छा खाना, पहले ढूंढना भी पड़ेगा, उसके बाद में जहाँ पसंद आएगा जगह अच्छी मिलेगी बैठने के लिए वहाँ बैठेंगे फिर खाना खाएंगे। चलिए चलते हैं खाना खाने के लिए। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं खाना खाने के लिए, एक छोटा सा होटल मिला है यहीं पे, तो ट्राई करते हैं जैसा खाना होगा आपको रिव्यू दे दिया जाएगा। ओके गाइस फाइनली खाना आ चुका है, ये रोटी, ये एक आलू छोले और एक सेब भाजी, तीन चीज़ मंगाई हैं, और ये अमूल बटर की एक टिक्की रोटी चपड़ने के लिए। अब खाते हैं टेस्ट करते हैं बताते हैं फिर आपको ये कैसा खाना है। ओके भाई ये क्या हो गया, मतलब रूम में तुम आ गए इसमें लेकिन भाई इसमें उड़ने के लिए तो कुछ है ही नहीं। पता है हमने ये दो लौंडे भेजे थे रिसेप्शन पे, रिसेप्शन वाले ने पता क्या कहा कि भाई दो भी ले गया था धोने के लिए लेकिन अब तक लौटा के नहीं दिया। भाई पैसे तो उन्होंने पूरे ले लिए हमसे लेकिन सुविधा पूरी दे ही नहीं रही यार, ये खराब होटल है। और भाई खाना वाना खा के हम आ चुके हैं, सारे भाई हो चुके हैं सोने के लिए तैयार, तो मैं भी सोऊंगा थोड़ा बहुत। और सुबह का जो भी प्रोग्राम होगा वो अपने आप आपको ब्लॉग में पता चल जाएगा। वृंदावन घूमने का जो प्रोग्राम है हमारा वो हम कल ही करेंगे। और टाइम हो चुका है भाई 11 बज चुके हैं, खाना पीने खा के सब सेट, अब जा रहा हूँ मैं सोने। और भाई ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो कुछ भी होता है ना वो सब कर देना आप, ठीक है। हम चलते हैं सोने, हम मिलते हैं आपसे मॉर्निंग में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।